एवरीवन माय नेम इज अरबाज। तो जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई फाइनली। मैं आज थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाला हूँ प्रभास वर्सेस शाहरुख खान का। वैसे ये कंपैरिजन बनता नहीं क्योंकि एक राजा भोज एक गंगू तेली है। क्योंकि यार लोग कंपैरिजन करते हैं, लोगों को बहुत मज़ा आता है, तो हम भी कर रहे हैं बिकॉज हमको भी मज़ा आता है। ठीक है, देखो यार भाई, SRK द लास्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया, वाई SRK सब कुछ है, कंपैरिजन करते हैं सो लोग अपने आप में जो भी है। ठीक है ना, मैं कुछ रीजंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालांकि जब मैंने डंकी ट्रेलर का रिव्यू किया था तभी मैंने ये पॉइंट्स रख दिए थे। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। मैं उन पॉइंट्स को भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई क्यों प्रभास और शाहरुख खान का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों शाहरुख खान भाई बहुत 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 आगे, बहुत आगे, और कोई कंपैरिजन नहीं बनता। देखो सबसे पहले तो शाहरुख खान को हमने देखा है, ऐसा कोई रोल नहीं है जो शाहरुख खान ने किया नहीं है। शाहरुख खान जब आए तो उन्होंने हम उसको बोल सकते हैं साइड रोल, ठीक है, एंड एज अ विलन उन्होंने स्टार्टअप किया। उसके बाद उन्होंने लव स्टोरी मूवी बनाई, कुछ कॉमेडी बनाई है, बायोग्राफीज़ बनाई है, लाइक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी लाइक चक दे इंडिया। उसके बाद आप देखो अभी बंदा मासी मूवी कर रहा है, राजकुमार हिरानी के साथ एक क्लासिक मूवी कर रहा है। सो ऐसा कोई रोल नहीं है जो शाहरुख खान ने किया नहीं है। सुपर हीरो की बात कर लो, रावण आप वो ले लो, ठीक है। सो ऐसा कोई रोल नहीं है जो शाहरुख खान ने परफेक्ट तरीके से नहीं किया हो। ऐसा कोई मूवी आप निकाल नहीं सकते कि वहाँ पर शाहरुख खान की ओवर एक्टिंग हो गई, नहीं। बंदे की फ्लॉप मूवी भी उठा के देखोगे तो उसमें उसकी एक्टिंग ज़बरदस्त होती है। एक बार के लिए कंटेंट खराब हो सकता है, स्टोरी खराब हो सकती है, डायरेक्शन खराब हो सकता है, बट शाहरुख खान की एक्टिंग टॉप क्लास ही रहती है। सो इस चीज़ को आप देखो जो कि शाहरुख खान की स्पेशलिटी है, एंड इस वजह से इस बंदे को इतना हाइप में रखा जाता है, इस वजह से बंदे की फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है। ये रीज़न है कि शाहरुख खान की वैल्यू इतनी है। इतना भाई बंदा हिंदुस्तान में जितना पसंद नहीं किया जाता है ना भाई, उससे ज़्यादा इसकी ओवरसीज में वैल्यू है इसकी काम की वजह से, ठीक है। अब प्रभास और शाहरुख खान का जितना कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो वहीं पर अगर मैं प्रभास की बात करूँ तो बाहुबली एक किया बंदे ने जो कि एक ज़बरदस्त थी, और बाहुबली में प्रभास ने जो रोल किया मेरा नहीं ख्याल है कि बाहुबली में उससे बेहतर, प्रभास से बेहतर कोई और बंदा उस रोल को निभा पाता, ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट बाहुबली के बाद जितनी भी मूवी प्रभास की आई है उसमें बंदा अपने आप को प्रूफ कर ही नहीं पाया। चाहे वो साहो एक मास मूवी हो चुकी है, एक हॉलीवुड टाइप की बनाने चाहा था इसने, उसमें ओवर एक्टिंग थी। राधे श्याम एक लव स्टोरी थी बट बिल्कुल भी नहीं जचा। उसके बाद आप जो अभी आया था आदि पुरुष, उसमें भी आप प्रभास का एक्टिंग देखो बिल्कुल भी नहीं जचा। सो एक एक्टर जो होता है ना जो ऑलराउंडर होना चाहिए, सो वो चीज़ वो क्वालिटी मुझे नहीं लगता कि प्रभास में अभी तक देखने को मिली और उसने अपने आप को प्रूफ किया है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ यार देखो यार, शाहरुख खान पिछले 30-32 सालों से राज कर रहा है, तो भाई अभी अभी आने वाला बंदा कहाँ शाहरुख खान को बीट करने लगा। भाई आमिर खान शाहरुख खान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, सलमान खान शाहरुख खान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। सो ये तो प्रभास और शाहरुख खान मतलब बेइज्जती कर रहे हैं हम शाहरुख खान की इस वीडियो को बना करके। बट होता है तो किया है हमने, बट ये तो यार 1% और 99% वाला कंपैरिजन हो गया, कहाँ पर SRK और कहाँ पे प्रभास। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बहुत सी मेरे को गालियाँ आती है इंस्टाग्राम के ऊपर भर भर के प्रभास के फैंस की, बस उन लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए, एक जवाब देने के लिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। मेरी प्रभास से कोई प्रस्तरी दुश्मनी नहीं है, मैं चाहता हूँ सलार भी कमाए, बट मैं रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ भाई। रियलिटी यही है, प्रभास शाहरुख खान का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, सलार डंकी का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता है भाई। वो देखो एक रियलिटी बताता हूँ, अमिताभ बच्चन सर एक बहुत बड़े एक्टर है, शाहरुख खान का फैन हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अमिताभ बच्चन सर से शाहरुख खान को ऊपर रखूँगा, बनता ही नहीं है कंपैरिजन। वैसे ही भले ही यार आप प्रभास के फैन हो, रिस्पेक्ट करो SRK की, बिकॉज प्रभास कितना ही बड़ा एक्टर बन जाए शाहरुख खान को कभी बीट नहीं कर सकता। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव।